बच्चों को हिंदी की मात्राएं, हिंदी का ज्ञान बढ़ाना जो भी हमारा एक सब्जेक्ट है कि विशेषकर हमें ध्यान देना हिंदी और मैथ पे, तो हिंदी के पाठ्यक्रम में हमारे संज्ञा सर्वनाम लिंग परिभाषा सब कुछ है, तो मैंने थोड़ा सा भाग लिया है लिंग, तो इसमें हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि हम जो सब किसी जाति विशेष के बोध को व्यक्त करते हैं तो लिंग कहलाते हैं, और लिंग की हम जैसे नाना नानी चाचा चाची बहुत सब बच्चों के सामने उदाहरण पेश कर सकते हैं, फिर हम उन्हें बताएं कि लिंग जो है दो प्रकार के होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो बच्चे कहने समझेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में क्या अंतर है, तो मैंने ये पिक्चर बनाई है स्त्रीलिंग का भाव के लिए ये और पुल्लिंग के भाव के लिए ये, तो जो शब्द है हमारी जाति किसी जाति की विशेषता बोध कराते हैं वो क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं, तो ऐसे में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग का बोध कराएंगे हम इसे किसी कविता के माध्यम से या किसी अनुच्छेद के माध्यम से या किसी पाठ के माध्यम से ले सकते हैं। मैंने एक छोटी सी कविता की चार लाइन है, नानी लाई नए खिलौने कपड़े लाए नाना चूहा देखो नाच रहा है चुनिया गाती गाना चीड़ा बैठा पेड़ पर चिड़िया चुगती दाना, तो इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के भाव हमें मिले हैं, तो हम बच्चों से बताएंगे कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, तो बच्चे इस बात को समझ सकते हैं कि हमने चीड़ा चिड़िया चूहा चुनिया इसमें हमने कैसे अंतर किया, और भी मैंने कुछ कार्ड्स बनाए हैं, ये मिक्सअप है ये हम बच्चों को क्लास में वितरित करेंगे और उनसे कहेंगे कि इसमें जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद में अंतर को समझें और उन्हें अलग अलग से छांटें, तो ये उनसे एक एक्टिविटी भी होगी और इसमें जो है अपना छांटने का काम भी करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे।